इस टॉपिक में हम लोग पीपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में जो पल्स की पोजीशन होती है वह हमारे पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है इसमें नियमित दूरी, रेगुलर डिस्टेंस पर स्पेस्ड पल्सों की पोजीशन को मैसेज सिग्नल के अनुसार क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन पल्स में हमारा क्या होता है कि जो पल्स होती है उसकी विड्थ क्या होती है, नियत होती है। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि पल्स पोजीशन में प्रत्येक पल्स की पोजीशन, ठीक है, या अनमॉड्यूलेटेड पल्स पोजीशन के सापेक्ष, ठीक, को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान के समानुपाती परिवर्तित किया जाता है। जिसमें जैसे हमारा एक सिग्नल क्या है, एक हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा यम टी, ओमेगा टी, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। और एक हमारा क्या होगा, पल्स ट्रेन, ये हमारा क्या हो गया, पल्स ट्रेन, जो हमारा सीटी है। अब तो इसमें पीपीएम से पहले हम इसका क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ जैसे इस डॉटेड लाइन कर लें, ठीक है, कुछ ऐसे, ओके, यहाँ से डॉटेड लाइन कर लें, कुछ यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है सबसे कम है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जो पल्स की जो विड्थ होगी वो हमारी क्या होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है तो पल्स की विड्थ हमारी क्या होगी, चौड़ी होगी। फिर उसी के अनुसार हमारी पल्स की विड्थ क्या होती है, फिर पतली होती है, ओके। अब ये और कम है तो पल्स की विड्थ हमारी ये होगी, ये सबसे कम एम्पलीट्यूड हमारा है तो पल्स की विड्थ सबसे कम यहाँ पे होगी, फिर इसी के अनुसार हमारी, तो ये चेंजिंग हमारी होती है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में सिग्नल आ गया, ठीक। अब पल्स पोजीशन क्या हमारा होगा, तो पल्स पोजीशन जो होगा हमारा इस तरह सिग्नल का प्रदर्शित करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्स की विड्थ होगी वो समान होगी हमारी, बस केवल क्या है, पोजीशन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा सिग्नल है पी पी एम है, ठीक है, एस पी डब्ल्यू एम, पी पी एम सिग्नल, देन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा मतलब है, इससे हम कह सकते हैं कि पल्स पोजीशन में जो पोजीशन जो चेंज हो रही है पल्स की, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान अधिक है तो मॉड्यूलेटेड पल्स अनमॉड्यूलेटेड पल्स के अपेक्षा, इससे इसके अपेक्षा हमारी क्या होगी, थोड़ा देरी से क्या होती है, प्रकट होती है। तो उसकी जो पोजीशन होती है, जो इसकी पोजीशन होती है हमारे अनमॉड्यूलेटेड वेव से क्या होती है, अधिक दूरी पर होगी। यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान कम होता है तो मॉड्यूलेटिंग पल्स तथा अनमॉड्यूलेटेड पल्स के मध्य जो हमारा टाइम डिले होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा थोड़ा। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन
जो जनरेशन है कैसे हम इसको जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा पीपीएम जनरेशन, पीपीएम को हम कैसे जनरेट करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक हम क्या ले लेंगे, आपके पास पल्स बीट मॉड्यूलेशन जनरेटर, इसमें हमारा क्या होगा एमटी सिग्नल, और एक हम क्या दे देंगे पल्स ट्रेन। उसके बाद क्या होगा हमारा एक डिफरेंशियल सर्किट हम लोग यूज कर देंगे, ठीक, डिफरेंशिएटर हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे क्लिपर, देन हमारा क्या आउट होगा पीपीएम सिग्नल। तो यहाँ पे पल्स जनरेशन करने के लिए हमारा क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक पल्स बीट मॉड्यूलेशन जनरेट करने के लिए सर्किट जैसे हमारी होती है सैंपल टू होल्ड सर्किट भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एक एडर यूज करके इसके अंदर एक एडर रहेगा एडर सर्किट, उसमें सातूथ वेव हम क्या दे देंगे उस पर इनपुट अप्लाई कर देंगे, और उसके अनुसार फिर हमारा क्या होगा पल्स बीट मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट होगा। फिर क्या होगा हमारा एक डिफरेंशिएटर सर्किट होगी, डिफरेंशिएटर सर्किट में देंगे डिफरेंशिएट करेगी उसको, उसके बाद हमारा ये हो सकता देंगे जैसे क्लीपर के स्थान पे हम लोग बोल सकते हैं पल्स स्वैपिंग नेटवर्क, अगर हमारे सिग्नल क्या करता है उसको अगर उसमें कोई अनवांटेड सिग्नल होता है तो इस तरह से उसको क्या करेगा मतलब सिग्नल को रिमूव करेगा, और हमारा क्या होगा एक नियत पल्स की सिग्नल क्या होगी विड्थ की हमारे आउटपुट पे जनरेट करेगा। तो जो इस तरह से हम लोग पीएम जनरेशन करते हैं। अब जैसे इसको हमें क्या करना हो डी मॉड्यूलेशन ऑफ पीपीएम, तो डी मॉड्यूलेशन के लिए नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट ले लें, एक हमारा क्या हो फ्लिप फ्लॉप हो, इसके इनपुट पे हम क्या दे देते हैं पल्स बीट मॉड्यूलेशन सिग्नल, ठीक। अब इसके आउटपुट पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट होगा पहले, उसके बाद इसको हम क्या कर दें एक इंटीग्रेटर यूज कर लें, इंटीग्रेटर, तो इसके आउटपुट पे हमारा क्या होगा एमटी सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेटर की सहायता से इंटीग्रेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक एक पीपीएम सिग्नल से हम क्या कर सकते हैं अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा देख रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप के जैसे एस इनपुट पे हम पीपीएम सिग्नल तथा आर इनपुट पे हम लोग क्या करते हैं ट्रिगर को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके अनुसार हमारा जो स्विच होता है ऑन और ऑफ होता है तथा पीपीएम पल्स के आकार को उसी के अनुसार सेट करके हम आउटपुट को आउटपुट पे पल्स बीट मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या करते हैं जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके मूल फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का जो गुण है जैसा कि हमें पता है कि पल्स बीट मॉड्यूलेशन में जो पल्स की चौड़ाई होती है हमारी क्या होती है कम ज़्यादा होती है, तो अलग अलग होने के कारण जो जब इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमें पावर भी क्या होती है अलग अलग देनी पड़ती है। यहीं अगर हम पीपीएम की बात करें तो पीपीएम में हमारे पल्स की बीट क्या है समान है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी समान होगी। दूसरा ये है कि जैसे अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो वहाँ पे सिग्नल हमारा अगर एम्पलीट्यूड को छेड़ते हैं तो हमारे सिग्नल में क्या होता है डिस्टॉर्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे या हम कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूएम और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज का इफेक्ट ज़्यादा होगा और हमारे पीपीएम में नॉइज का इफेक्ट क्या होगा कम होगा।
इसमें बस इसका दोष केवल ये है कि पी जैसे PWM में हमें सिंक्रोनाइजेशन मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन PPM जब ट्रांसमिट हम करेंगे PPM सिग्नल, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य में हमको सिंक्रोनाइजेशन सर्किट की क्या पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी, ये इसका दोष है। एप्लीकेशन इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन हम लोग कार एवं एयरक्राफ्ट में जो रेडियो कंट्रोल होता है उसके लिए करते हैं। बोट्स में करते हैं, तो ये एक दो जगह इसका एप्लीकेशन है।